अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक, अपने प्रोग्राम मैं आसमी उसके साथ आज खिदमत है। बड़े दिन से रिक्वेस्ट की थी हमने शोएब साहब को बड़े खास इशू के ऊपर, क्योंकि हालात और वाकयात बड़े करीब से जानते हैं और आपको पता है आजकल जस्टिस का लफ्ज नहीं देखते, जस्टिस तो जब निकाल के बाहर फेंका जाए, जस्टिस कहाँ से आ गया। शौकत सिद्दीकी का और जिन्होंने बड़ी मुतनाज़ा तकरीर की और वो क्या हालात और वाकया थी, आज कोशिश की जा रही है कि बताया ये जा रहा है कि इफ्तिखार चौधरी भी तकरीर करते रहे थे इस तरह की, लेकिन अदालत ने बड़े वाज़े तौर पर सवाल रखे। लेकिन असल तकरीर करने का मकसद क्या था उनका, और वो क्या कोई सियासी स्टंट चल रहे थे, इन सब चीजों पे बात करते हैं अमजद शोएब साहब से। वो बता सकेंगे कि असल हालात और वाकयात क्या हैं और मकसद उनका क्या था। जी अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं सवाल आपके सामने रख दिया, जवाब का मुंतजर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अजहर साहब, असल चीज ये थी कि शौकत सिद्दीकी एक सियासी वाबस्तगी की वजह से वो अपनी सारी गेम सारा खेल चला रहे थे, और सियासी वाबस्तगी ये थी कि चूंकि नून लीग के साथ उनके हमदर्दियां थी या उनके वाबस्तगी थी, तो वो उनका बयानिया जो कि अदारों के खिलाफ ISI वगैरह के खिलाफ जो नून लीग नारा लगाती है, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाना था, उसको ठीक साबित करना था, और उसमें जो उस वक्त की सूरत हाल थी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी एक प्लान बना के तो लॉन्च की। सूरत हाल उस वक्त ये थी कि नवाज शरीफ साहब की सजा अनाउंस हो चुकी हुई थी, और दूसरी तरफ उसके दो चार दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने वाले थे। सो उस वक्त जरूरत थी कि एक परसेप्शन क्रिएट की जाती कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली है वो हकीकत में मबनी नहीं है, असल जो जो उनकी कारगुजारी है उसकी वजह से नहीं है, बल्कि ये तो अदारों के दबाव की वजह से है और अदारे मजबूर करते हैं, लिहाजा ये सजाएं इस तरह सुनाई गई। तो उनको बेगुनाह साबित करना, बावजूद इसके कि अंधे इंसान को भी करप्शन नजर आती थी, झूठ बोले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाली झूठे कागज पेश किए गए, ये सब पूरे पाकिस्तान के आवाम देख रहे थे। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि जज होके आपका ईमान इतना गलीज और ढीला हो जाता है कि आप अपने एक एजेंडे को पूरा करने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं। लिहाजा उन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जलसा मेरा ख्याल है खुद ही तजवीज किया होगा, वरना तो मौका नहीं था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में खुद ही वो बार एसोसिएशन के लोगों के साथ मिल मिला के पूरा एजेंडा, जो कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायंस के कुछ अब दोस्त हैं हमारे, मुझे पता है उनका बारे में, सो पूरा एक ड्रामा क्रिएट करना था, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट की, वरना ये चीजें पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं थी। देखिए आप जब जज हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो अदारा भी आपके लिए मुकदम है, इंसाफ भी आपका राइट आपका एक फर्ज है, और दूसरी तरफ ये है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो जिस अदारे से आपका वास्ता है या आपका ताल्लुक है वो भी बड़ा मुकदम है, उसकी भी उतनी ही इज्जत और तकरीम है। अगर आप अदालतों को बेतौकीर कर दें कि जी यहाँ पे प्रेशर होता है और उसकी वजह से ये फैसले देते हैं, तो वो भी गलत है आपने कहा। और अगर आप ये कह दें कि जो जो फैसला हुआ है वो गलत था, तो फैसला गलत है तो जो जिसको सजा हुई उसके पास तो राइट है अपील का, वो जा सकता है अदालत में। लेकिन आपने बजाय इसके कि चीफ जस्टिस को इतला देते कि जनाब मुझे ये किसी ने कहा है, वो ये आपने मुनासिब ये समझा कि इसको पब्लिक में जाके मैदान में खड़ा किया जाए, क्योंकि आपके अजाइन कुछ और थे। तो पहले तो पब्लिक इंप्रेशन आपने ये बिल्ड करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई है वो किसी अदारे की के प्रेशर की वजह से हुई है, वरना वो तो बड़ा बेगुनाह इंसान था। दूसरी तरफ ये है कि आपने दो दिन बाद इलेक्शन थे, तो ये भी आपकी ख्वाहिश थी कि यही पार्टी जीते जिसके साथ आपकी हमदर्दियां हैं, लिहाजा आपने एक सिंपथी जनरेट करने के लिए आपने ये कहानी वहां पे खोल दी। तो ये किस हद तक जस्टिफाइड है, मैं समझता हूं इसमें तो बड़ी ज्यादा सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बेईमानी है, ये आपका आपकी एक साजिश है कि आप अपने इंसाफ की कुर्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने के लिए। तो मैं जो इसकी इंटरप्रिटेशन देखता हूं, मेरे नुक्ता निगाह से ये है, और मैं बड़ा हैरान हूं
कि सुप्रीम कोर्ट में ये जेर बहस नहीं आई इस तरह चीज, ये मेरा ख्याल है इस नुक्ते पे तवज्जो देनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ये वक्त क्यों सिलेक्ट किया इस काम के लिए, और फिर इसकी इसका चीफ जस्टिस को शिकायत पहुंचाने की बजाय ताकि वो अदारे को कॉन्टेक्ट करते या अदारे से वो सवाल करते पूछते उनसे, उसके बजाय आपने जो मैदान गर्म किया ये क्यों किया आपने। तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं इस शख्स से पूछी जानी चाहिए ताकि ये कहीं धोखा दे के फिर न जा निकले और जाके अदालतों में बैठना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी कुछ थोड़े से हालात और वाकयात को जानता हूँ बड़ी करीब से, चूंकि वहाँ आखिर से इस इदारे का हिस्सा हूँ बतौर वकील के, और ख़ास तौर पर जब मैं बड़ी बारीक से चीज़ों को देखता हूँ। शौकत सिद्दीकी का ताल्लुक आपको पता है इरफान सिद्दीकी के साथ है, और ये जमात इस्लामी ने परवान चढ़ाया था इनके खिलाफ कई पर्चों के हवाले से, कोई गालबन को रेप का भी एक मामला कभी सुना करते थे, पता नहीं हकायक है या नहीं उसके, वो चीज़ें सारी कुछ एक तरफ छुपी रही। लेकिन जो असल बात आपने बताई है इसमें यह बात भी सामने आ गई है कि खुद ISI के लोगों को या किसी ऐसे कुछ लोगों को ये खुद मिलते रहे हैं, और बाकायदा जो है ना वो अपने कोई मकसद के लिए, मेरा जहां तक है जो उनके इनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे थे ना, कि वो किसी से वो रेफरेंस खत्म कराने के लिए उल्टा उन पे दबाव डालते रहे हैं, वो जो इन्होंने घर के हवाले से सिखों के हवाले से मामला किए थे। दूसरी बात जो बड़ी वाजे है कि हम इस बात को, यानी दुख और अफसोस इस बात का है कि एक जज होके ये कहे दबाव का, भाई बड़ा सीधा सा है कि फैसले ही पढ़ लेते, वो जो फैसले आया था एवन फील्ड का सेक्शन 9 पढ़ लेते आप, नैब के ये शौकत सिद्दीकी नैब के केसेस सुनते रहे हैं, और 9 में बड़ा वादे तौर पर 9A5 के अंदर एसेट बियॉन्ड मीन का वादे है, मनी ट्रेल आपके पास है नहीं है, जहां से आपने खरीदी है, GIT ने भी बात ये कह दी, GIT के बाद नैब की चीजें सारी सामने आ गई, तो उसमें इदारों का तो प्रेशर का मैं तो ये मानने के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर ये इतना आसान केस होता तो अब तक नवाज शरीफ हाई कोर्ट से अपीलें सेटिस्फाइड करा चुके होते इसमें भी, और अलजीजी हमें वो तो भगौड़े पे आगे बाहर बने फिरते हैं। तो शौकत सिद्दीकी का जो ये बयानिया था नरेटिव नजर आ गया कि इसके पीछे बहुत बड़ा सियासी एजेंडा था, बहुत बड़ा एक सियासी गेम प्लान था। वैसे भी अगर आपको याद हो कि शौकत सिद्दीकी को अपॉइंट करने वालों में, लाने वालों में इफ्तिखार चौधरी साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहुत बड़ा एजेंडा था कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को निकालने के बाद, फिर जब वो 9 नवंबर का एग्जाम करवाया गया, सॉरी 3 नवंबर का जो एग्जाम करवाया गया, जजेस निकलवाए गए, वो भी परवेज जनरल साहब को तो शायद अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे जो काम करने वाले लोग थे जिन्होंने तजवीज दी थी, मकसद ये था कि इस तरह के जजेस भर्ती किया जाए। शौकत सिद्दीकी भी उस क्लास के जज हैं जिस तरह के आपको पता है वकार सेठ साहब जो बात करते रहे थे पिशावर हाईकोर्ट के और अदालतों के अंदर भी हैं, वो किन बातों को जिक्र किया, ये वो एजेंडा था, ये वो इफ्तिखार चौधरी और उस गैंग का एजेंडा था जो लॉयर्स मूवमेंट बकायदा चलाई गई, बकायदा प्री प्लेड मैचों के लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा था, मुझे इसलिए हकायक का पता है। तो आपकी इस बात को मैं वजन मानता हूं, और मैं आप नहीं समझते कि इस सारे मामले को सामने रखते हुए शौकत सिद्दीकी को वो रिस्टोर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कोई चांस नहीं है, चूंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है बकायदा इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके 211 से निकल नहीं सकेंगे। मेरा जो सवाल आप ले लीजिएगा, आप नहीं समझते कि सारे मामले में एक आजाद और खुद मुख्तार इदारे के हवाले से या उनके ऊपर बाकायदा बगावत के कॉन्टेक्स्ट में, ये बगावत के मैं समझता हूँ जिम्मे में आता है, तो उनपे एक अलग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही होनी चाहिए, ये छोड़ दें जल्द। जी मैं ये कहता हूं कि अभी जब फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील का, तो फिर उसके बाद अदारे को इनके खिलाफ जाना चाहिए अदालत और इनको घसीटना चाहिए प्रॉपरली। ये एक नेक्सस है यहाँ पे वकला में और इन लोगों का, ये भी अब वकील ही है वहां पे बैठे, हामिद खान साहब ने भी ठेका लिया हुआ है हर चोर चतर की वकालत करने का, हर इस क्लास के, हर इस क्लास के लोगों की, यानी ये जो उनका चूंकि PTI से वो निकाले गए, तो अब उनका एजेंडा है कि PTI के खिलाफ काम करना है, और इसी तरह PTI करप्शन चूंकि खत्म करनी चाहती है, तो हर करप्ट आदमी का उन्होंने आके केस जो है वो यहाँ पे लड़ना है, करप्ट हो या अपोजिशन का आप कह लीजिए कि जिस तरह ये अभी ये साक्षी केस है इनका शौकत सिद्दीकी का। तो ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ
बड़े बड़े लॉयर्स मौजूद हैं, लेकिन बजाय सच्चाई का साथ देने के वो झूठ को प्रमोट करते हैं और करप्शन और चोरी चकारी। आप देखिए जिस तरह उन्होंने फैज सदीक, ये हमारे जस्टिस फैज ईसा के केस को उन्होंने हैंडल किया, या उसके बारे में उनके व्यूज मैं सुनता रहा हूँ मोहम्मद साहब के, वो भी यही कि उनसे ना पूछा जाए कि जनाब आप कहाँ से लाए ये पैसा, तो वो ये कहते हैं कि अदारा ने बड़ा अजीब, वो अदारे जो है वो इनके साथ दुश्मनी रखते हैं। अब इसमें लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने इतने बड़े वकील होके आप मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे, जब आप सच्चाई का साथ नहीं देते तो दर हकीकत आप मुल्क का बेड़ा गर्क करने के तुले हुए हैं। आपका बजाय इसके कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन वो नहीं है। अब आ जाते हैं शौकत सिद्दीकी साहब के किस्से पे। देखिए शौकत सिद्दीकी साहब ने भी यहाँ ये काम किया, जब इनसे पूछा गया था पहले, यानी एक आदमी का किरदार नजर आ जाता है कि जनाब आपने वो कबूतरबाजी के लिए ऊपर ये बनवाया वो बनवाया, इतना पैसा खर्च किया आपने, तो बजाय उसका जवाब देने के वो एक 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 साथ शीशा के साथ लेके आया गया जी, फरान जज ने भी ये करवाया, फरान भी आप भी जरा अपने अपने घरों का बताएं कि आपने क्या क्या कराया। ये वो चीज है जो काजी फायदे सा भी कर रहे हैं, यानी आप अपने अपना नहीं बताना चाहते कि मैंने ये क्यों किया। आप ईमानदार आदमी है तो आप पहले अपना ईमान तो वादे कर देना, वो नहीं करना। आप कहते हैं मैं बुरा हूं तो तू भी तो बुरा है ना, लिहाजा बुरा दो बुरे मिल गया छोड़ दो आप एक दूसरे, तो ये बड़ा अलमिया है। और मैं समझता हूं कि अदालत को इनकी साजिशी पहलू जो है इसका उसको पूरी तरह खंगालना चाहिए, देखना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि असल आदमी असल होती है चीज आपकी नीयतें, इंटेंशंस क्या थी ये करने की, ये कोई ऐसे गलती नहीं है, ये एक प्लान इवेंट था। तो जब उससे उसकी अंदर की सोच सामने लाई जाएगी तो फिर उसके पास जवाब कोई नहीं उसको रद्द करने का या कहने का कि जी मैं तो यूं कह रहा था तो वो कह रहा था, आपकी नीयत सामने आ जाएगी। तो मैंने हमेशा इस चीज को इसी एंगल से देखा है कि एक तरफ प्री पोल रिगिंग के आप सिंपथीज गेन करना चाह रहे हैं पीएमएलएन के लिए, और दूसरी तरफ अपना वफादारी निभा रहे हैं मियां साहब के साथ कि उनकी सामने नजर आ रही है लूटमार, सुप्रीम कोर्ट में उनका कॉन्डक्ट नजर आ रहा है जारी कागजात का, उसके बावजूद आप इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि इनको जो सजा हुई है वो गलत हुई है। मैं एक चीज आपको बताऊं, बाद औकात हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो अदालत के आसपास चक्कर जरूर लगाते हैं, अदालत के जज वगैरह को भी बाद औकात वो पूछ लेते हैं, बात बात कर लेते हैं उनसे प्राइवेटली, लेकिन वो इसलिए नहीं होती कि वो कोई फैसले को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जब भी किसी इंपॉर्टेंट आदमी का केस जिसकी जेब में पैसा बेतहाशा होता है, वहां इंटेलिजेंस को ये फिक्र होती है कि ये जज को पैसा ना लगा दे। अब मियां साहब ने जिस तरह अरशद मलिक के साथ खेल किया उसमें कोई कमी नहीं थी, पहले उस जज को पोस्ट खुद कराया, फिर उसको पैसे भी दिए, फिर वीडियो ला के ब्लैकमेल भी किया, ये सारे काम इंटेलिजेंस जो है अगर ये मॉनिटर ना करे तो इस मुल्क का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए, इसमें तो कोई इंसाफ दे ही नहीं सकेगा सिवाय पैसे वाले, पैसे वाला इंसाफ लेगा अपनी मर्जी का। तो ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से ये, लेकिन ये सारा करप्ट और सियासी टोला जो है ये एक हो जाता है, मुल्क हमारा एक तरफ और ये तबका दूसरी तरफ, नतीजा ये कि ये मामला बिगड़ते और रोजाना की बुनियाद पे बिगड़ते ही जाते हैं, ये भलाई की तरफ या ठीक होने की तरफ मामला नहीं आता। तो ये वो किरदार है जो मैं चाहता था कि आपकी वसातत से पब्लिक के सामने रखा जाए, और अगर अदालत को ये चीज समझ आए तो वो भी इसकी नीयत के ऊपर सवाल करें और इस चीज को अंदरूनी तौर पर देखें कि इसकी लिंकेज है क्या, फिर आपको उसकी साजिश की समझ लगे। बहुत शुक्रिया हम जो श्वेता साहब, बड़ा क्लैरिटी के साथ, और मैं आपकी इस बात से बहुत ज्यादा इत्तफाक करता हूँ, कुछ हकायक मैंने देखे हुए हैं मैंने, और मैं बड़ा क्रिटिक इस हवाले से जिस तरह जजिस की तैनातियां की हैं। इजाजत दीजिएगा, अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।